नमस्कार दोस्तों, PCS एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों का GS सेकेंड पेपर का लेक्चर चल रहा था पॉलिटी का। उसी सीरीज़ में हम लोगों ने दो लेक्चर देख लिए थे, ठीक है। 10वीं चैप्टर का दो लेक्चर देख चुके थे क्योंकि काफ़ी कई पेजेस थे, तो इसी वजह से हम लोगों ने तीन पार्ट में इस चैप्टर को देखा था, ठीक है। आज हम लोग राज्य सूचना आयोग से संबंधित चीज़ों को जानेंगे और बाकी बची हुई चीज़ों को आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए, आज का जो लेक्चर है दोस्तों, राज्य सूचना आयोग, सूचना के अधिकार 2005, न केवल केंद्रीय सूचना आयोग अपितु राज्य सूचना आयोग का भी प्रावधान किया, मतलब सेंटर में भी एक राष्ट्रीय सूचना आयोग और राज्य में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। इसके अंतर्गत जो राज्य है, आधिकारिक राजपत्र नोटिफिकेशन के माध्यम से राज्य सूचना आयोग की स्थापना करेंगे, यह प्रावधान किया गया है। राज्य सूचना आयोग जो है एक उच्च स्तरीय प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है जो कि इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है, उसका निवारण करता है तथा यह राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आदि के बारे में शिकायतें एवं अपीलों को सुनता है। ध्यान रखिएगा, आयोग में क्या है, एक मुख्य आयुक्त और सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं राज्य सूचना आयोग के बारे में। जैसे अगली चीज़ क्या है, गैर संवैधानिक निकाय कौन कौन से होते हैं, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो होती हैं उनको देख लेते हैं कि जैसे ऐसे निकाय जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है गैर संवैधानिक निकाय कहलाते हैं, जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं NDC की, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन जो है 6 अगस्त 1952 को मंत्रिमंडल सचिवालय के एक प्रस्ताव द्वारा गैर संवैधानिक निकाय के रूप में NDC की स्थापना की गई थी। इसके कार्यों को देख लेते हैं कि जैसे इसके कार्य कौन कौन से हैं, तो देखिए, ऐसी सामाजिक आर्थिक नीतियों की समीक्षा करना जो राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करती हैं, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाली नीतियों को, विकास जो भी नीतियाँ चल रही हैं उनकी समीक्षा करना जो कि विकास को प्रभावित करती हैं, ठीक है। राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए सुझाव देना, राष्ट्रीय नियोजन में जन सहयोग प्राप्त करना एवं प्रशासनिक दक्षता को सुधार लाना, तो ये कार्य हैं। अगला कार्य क्या है, अल्प विकसित व पिछड़े एवं क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक परियोजना का सुझाव देना तथा राष्ट्रीय विकास के लिए संसाधनों का निर्माण करना, तो ये सारे के सारे कार्य माने जाते हैं। और क्या है कि जैसे योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं का अध्ययन करना, विचार विमर्श के पश्चात उसे अंतिम रूप प्रदान करना, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य। तो सदस्य कौन कौन से होते हैं NDC के, उनको देख लेते हैं कि जैसे नीति आयोग के सभी सदस्य, ठीक है, नीति आयोग जो है तो नीति आयोग के सभी सदस्य होते हैं, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक व उपराज्यपाल जो भी होते हैं, ठीक है। वर्तमान में NDC के दायित्व तो नीति आयोग को सौंप दिए गए हैं, ये कुछ बातें हैं। पहले क्या था, NDC के दायित्व तो जो थे NDC के पास में थे, लेकिन अब नीति आयोग को सौंप दिए गए हैं। अगली चीज़ क्या है, नीति आयोग, नीति आयोग को देख लेते हैं कि जैसे पहले हमारे यहाँ योजना आयोग था, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर अस्तित्व में आया था, ठीक है। 15 मार्च 1950 को जिस प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग की स्थापना की गई थी उसी स्थान पर 1 जनवरी 2015 को एक नया मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव लाकर नीति आयोग की स्थापना की गई है। और क्या है कि जैसे नीति आयोग जो है एक परामर्शदात्री, ठीक है, एवं गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग के उद्देश्यों को देख लेते हैं कि कौन से उद्देश्य हैं, कि जैसे राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ में राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, जैसे जैसे हमारे देश की विकास की कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, रणनीतियां हैं, इन सारे चीज़ों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप उपलब्ध कराना, सहयोगपूर्ण संवाद को बढ़ावा देना, ठीक है, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए एक तंत्र विकसित करना, आर्थिक कल्याण कार्यनीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल करना, तो ये सारे के सारे आपके नीति आयोग के उद्देश्य हैं। और क्या है कि रणनीतिक और व दीर्घावधि कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना कि कैसे देश का विकास होगा, 6 महीनों में, 1 साल में, 2 साल में,
पाँच साल में या सात साल में, ठीक है, आवधिक रूप से दीर्घकालिक रूप में। कार्यक्रम और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर बल देना, तो ये मुख्य उद्देश्य माने जाते हैं नीति आयोग के। अब देखिए नीति आयोग की संरचना की बात कर लेते हैं, तो जैसे देखिए संचालन परिषद में क्या होता है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, विधायिका वाले सभी केंद्र शासित राज्यों तथा दिल्ली पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं, ठीक है। और क्या है कि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाता है, इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अलावा, जैसे अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के, इसके अलावा पूर्णकालिक संगठन में एक ढांचा बना हुआ है, कौन कौन से व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। कि जैसे उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री के द्वारा उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं कि जैसे अधिकतम दो सदस्य हो सकते हैं जो प्रमुख विश्वविद्यालयों से पदेन सदस्य के रूप में चुने जाएंगे। अंशकालिक सदस्य जो हैं बारी बारी से बदलते रहते हैं। पदेन सदस्य कौन कौन से होते हैं, जैसे पदेन सदस्य जो हैं अधिकतम चार सदस्य हैं जिनका मनोनयन जो है प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद से उनकी सलाह से करेंगे, ठीक है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं भारत के सचिव स्तर के अधिकारी, मतलब जो आई एस पी सी होते हैं, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री एक निश्चित अवधि के लिए करते हैं, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों को देख लेते हैं कि जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार उपक्रमों का समापन करना, कि जैसे हमारे यहाँ PSUs जो होते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर नीति आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए विश्लेषण के लिए दो स्तर की प्रक्रिया शुरू की, जो कि बीमार बताए जा रहे हैं, जैसे जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति में जो PSUs हैं, ठीक है, तो उनको ठीक करना। CEO की अध्यक्षता में एक समिति ने राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, ठीक है, की सहायता से बीमार CPSC इकाइयों का विस्तृत विश्लेषण किया और अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो सबसे पहला कार्य क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार उपक्रमों का समापन करना। अगला कार्य क्या है, अगला कार्य है आपका केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों जो CPSC जो होते हैं तो उनका युक्त पूर्ण विनिवेश, ठीक है। तो देखिए 2016-17 के बजट में क्या हुआ था कि नीति आयोग को उन केंद्रीय उपक्रमों की पहचान करने का दायित्व तो सौंपा गया था जिनका नीतिगत विनिवेश किया जाना था, ठीक है। कहने का मतलब है जितनी भी पब्लिक सेक्टर सेंट्रल की PSUs जो होती हैं, ठीक है, तो उनको डिसइन्वेस्टमेंट करने का एक खाका जारी किया गया था, ठीक है, कि ऐसे ऐसे उपक्रमों की पहचान की गई थी जिनको बेचने का कार्य किया गया था, उनके शेयरों को बेचने का कार्य किया गया था। अगला कार्य क्या है, अटल नवाचार मिशन स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोग को समाहित करने के लिए 2016 में अटल नवाचार मिशन की शुरुआत की गई थी। यह स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना का ही एक हिस्सा है, इसके लिए नीति आयोग में एक मिशन निदेशालय भी बनाया गया है, ठीक है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस मिशन के निदेशक बनाए गए हैं, ठीक है। अटल टिकरिंग लैब्स क्या है, देखिए बाल जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी प्रतिभाओं की यह प्रयोगशाला कही गई जाती है, ठीक है। प्रारंभिक छानबीन के बाद 595 स्कूलों को नवंबर के प्रथम सप्ताह में देश के 6 शहरों में चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण भाग लेने के लिए बुलाया गया था। प्रत्येक आमंत्रित विद्यालय को अपने क्षेत्र की दो दो चुनौतियों की पहचान करके उसका समाधान बताने को कहा गया था, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ कि इन समाधानों की परख सभी 6 केंद्रों में एक स्वतंत्र निर्णायक मंडल ने अलग अलग किया। इस दौर के अंकों के आधार पर 257 स्कूलों को पहले चरण में और 2016 में ATL अनुदान दिया गया, ठीक है। इन स्कूलों को वर्तमान में वित्तीय अनुदान जारी किया जा रहा है, जो भी इन्होंने सुझाव दिए थे, जो भी अपनी चीज़ें दी गई थी मूल्यांकन के आधार पर। अगली चीज़ क्या है कि डिजिटल भुगतान आंदोलन, देखिए जिसे हमारे देश में काला धन भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भारत सरकार और नागरिक के बीच होने वाले अधिकतम लेन देन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्रणाली से किया जाना प्रस्तावित था, ठीक है। इसे अमल में लाने के लिए एक समिति गठित की गई जिसे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में यथाशीघ्र उपयोग में सरल डिजिटल भुगतान के विकल्पों की पहचान करे और जो अंक हैं कार्यों में परिणत करने का दायित्व सौंपा गया था। तो ये डिजिटल भुगतान आंदोलन चलाया जा रहा है। अगली चीज़ क्या है, द्वीपों का समग्र विकास। नीति आयोग ने समुद्री व्यापार, जहाजरानी, मत्स्य पालन, पर्यावरण, भ्रमण,
ठीक है, अधो समुद्री खनन और तेल एवं गैस अन्य सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ द्वीपों के विकास की प्रक्रिया शुरू की गई है। ठीक है, कि जैसे जो द्वीप होते हैं तो उनके विकास की प्रक्रिया शुरू की गई, उनको डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उन द्वीपों के, इन द्वीपों में जैसे डीजल के स्थान पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा, सागर तापी ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग को बढ़ावा देने का भी है। कृषक हितैषी सुधार सूचकांक, देखिए नीति आयोग ने कृषि बाजार सुधार, भूमि पट्टा सुधार और निजी भूमि पर वानिकी के तीन प्रमुख क्षेत्रों में सुधार लाने की आवश्यकता के प्रति राज्यों को तैयार करने के लिए पहली बार कृषि विपणन और कृषक हितैषी सुधार सूचकांक तैयार किए हैं। ठीक है, इस सूचकांक में 0 से लेकर 100 अधिकतम अंक का अर्थ होगा कि उसे पूरी तरह से सुधार लागू किए गए हैं। ठीक है, 0 का मतलब जिनमें सुधार लागू नहीं किए हुए हैं, 100 का मतलब जो सुधार है वो पूरी तरीके से लागू किए गए हैं। राज्यों के शासित प्रदेशों को सूचकांक में प्राप्त अंक के आधार पर क्रम दिया जाता है। इन संकेतों का उद्देश्य क्या है? कृषि व्यवसाय में सुगमता, आधुनिक व्यापार के लिए अवसर और अपनी उपज के लिए विक्रय हेतु विकल्पों के बारे में प्रत्येक राज्य की स्थिति को दर्शाना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगली चीज़ क्या है? स्वास्थ्य परिणाम प्रदर्शन सूचकांक। तो ये क्या चीज़ है? जैसे राज्यों द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता के आकलन के लिए नीति आयोग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने क्या है कि संयुक्त रूप से स्वास्थ्य परिणामों की कसौटी पर प्रदर्शन का सूचकांक तैयार किया गया है। इस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन के लिए प्रेरित करना। ठीक है, आयोग ने सूचकांक उपाय आंकड़ों की पद्धतियों की विशेषताओं को दर्शाने के लिए अभ्यास हेतु दिशा निर्देश भी जारी करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या है कि जैसे विद्यालयी शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, नीति आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सहभागिता में एक शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जिसको SQI कहा जाता है, ठीक है, की रूपरेखा भी तैयार की गई है। और यह एक संयुक्त सूचकांक है जिसके आधार पर शिक्षा गुणवत्ता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्यों में सुधार के बारे में वार्षिक रिपोर्ट दी जाएगी। और इस सूचकांक की जो व्यापक परिकल्पना है उसके अनुसार राज्यों को परिणामों, सतत वार्षिक सुधारों, राज्य नीति नवाचारों को प्रोत्साहन देने की ओर ध्यान देना होगा। ठीक है, वर्तमान में जो SEQI है इसका 60% अध्ययन परिणामों पर आधारित है, इसलिए उच्च गुणवत्ता वाले अध्ययन आंकड़ों की उपलब्धता महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए अगला सूचकांक जो है जल प्रबंधन सूचकांक। तो अब देखिए ये सारे के सारे कार्य किसके द्वारा किए जा रहे हैं? ये नीति आयोग के द्वारा किए जा रहे हैं। जल प्रबंधन सूचकांक भारत में जल संसाधनों के सतत प्रबंधन के महत्व देखते हुए हमारे देश में नीति आयोग ने क्या किया है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सक्रिय सहयोग से क्या किया है कि एक संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक तैयार कर रहा है। यह सूचकांक जो है संबंधित मंत्रालयों, विभागों तथा अन्य संबंधित पक्षों के परामर्श से तैयार किया गया है। ठीक है, और अगली चीज़ क्या है, नीति आयोग की प्रासंगिकता को देख लेते हैं, रेलेवेंस ऑफ नीति आयोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सरकार ने विकास की ओर एक भारतीय दृष्टिकोण भी अपनाया है। भारत को एक प्रशासन निर्देशन की आवश्यकता है जिसमें प्रथम और अंतिम आश्रय के लिए सहायता प्रदान करने वाली नहीं है अपितु सक्षम बनाने वाला होना चाहिए। ठीक है, शासन और नीति की संस्थाओं को नई चुनौतियों के लिए अनुकूल होने की आवश्यकता है। इन्हें संविधान के संस्थापक सिद्धांतों पर ही निर्मित होना चाहिए और योजना प्रक्रिया को शासन की रणनीति से पृथक किए जाने की आवश्यकता है। कि मतलब जैसे शासन की रणनीति अलग होनी चाहिए और योजना की जो बनाने की प्रक्रिया है वो अलग होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगली चीज़ क्या है कि नीति आयोग की स्थापना के लिए तर्क का आधार यह दिया जाता है कि लोगों को उनकी सहभागिता के माध्यम से शासन से विकास और सुधार के लिए बड़ी उम्मीदें हैं। ठीक है, इसके लिए शासन में संस्थागत सुधार, गत्यात्मक नीति विस्थापनों की आवश्यकता है जो कि बृहद स्तर के परिणामों को बीजारोपण कर सके और उनका पालन पोषण भी कर सके। अब देखिए जैसे केंद्रीकृत नियोजन अवधारणा बदली हुई परिस्थितियों में कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए वर्तमान में समय बदलता जा रहा है और अगर आप पुरानी चीज़ों को वैसे ही चीज़ें करेंगे तो फिर वो चीज़ें रेलेवेंट नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि आयोग अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। जब निजी सार्वजनिक निवेश से बहुत आगे निकल गया है, ठीक है,
तो केंद्र राज्य संबंध उल्लेखनीय रूप से बदल गए हैं, तो बाजार अर्थव्यवस्था में भी नियोजन प्रक्रिया में को एक अलग दिशा निर्धारण दृष्टिकोण देने की आवश्यकता है। ठीक है, योजना आयोग जो है अत्यधिक निरंकुश हो गया, विशिष्ट रूप से अपना फरमान विभिन्न राज्यों पर लागू किया जाता था। ये चीज़ें थी कि जो सेंटर था, सेंटर से योजनाएं चलती थी और वह राज्यों में लागू की जाती थी। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य निवेशक अन्यमनस्क हो गए। और दूसरा गंभीर आरोप है कि आयोग केंद्र में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल अथवा गठबंधन का एजेंट बन गया। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। नीति आयोग को सलाहकार के रूप में रखना बेहतर होगा। नई सलाह जो नई संस्था है को राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक उन्नति बाधिकारी व्यवधानों की पहचान करनी चाहिए। उदाहरण के लिए कि जैसे जो विकास के बाधक तत्व हैं उनको पहचानने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जैसे अवसंरचना, ऊर्जा, जल, शिक्षा, पर्यावरण, खाद्य उत्पादन, इन सभी मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। योजना आयोग में जो निर्बलता पसर गई थी उसे उभारना बहुत महत्वपूर्ण है। नीति आयोग का अगले दशकों में देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपांतरण के लिए एक विशिष्ट समयबद्ध आज्ञा पत्र तथा निर्देशन प्रदान किया जाना चाहिए। और इसे क्या किया जाना चाहिए, भारत के संघीय ढांचे उसकी अद्वितीय सामाजिक संस्कृति विविधता को सशक्त बनाते हुए तथा दीर्घ कालिक जो संसाधन हैं उनका उपयोग, उनकी कार्यनीति का उदाहरण स्थापित करते हुए एक विकसित राष्ट्र के रूप में हमारे राष्ट्र को रूपांतरित करना। तो यह कुछ प्रासंगिकता है जो आपके नीति आयोग की। ठीक है, तो यह पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगले वाले चैप्टर में हम लोग अगली चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, यह पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है तो उसी में आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, पेड व्हाट्सएप ग्रुप अब 2019 का अलग से चल रहा है, 2020 का अलग से चल रहा है। तो जो लोग भी पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, देख सकते हैं या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।